जनता का आज का सवाल, क्या होता है कॉमर्स, कैसे करते हैं कॉमर्स, क्यों होता है कॉमर्स। अरे भैया ये कॉमर्स क्या होता है यार, सिंपल सादी भाषा में समझा दो, समझ में ही नहीं आता है लोगों को। चलिए आइए आज समझते हैं हम लोग क्या होता है कॉमर्स। दोस्तों कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स को अगर मैं एक लाइन में अगर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिसमें बाइंग मतलब होता है खरीदना, सेलिंग मतलब होता है बेचना। गुड्स मतलब क्या होता है, गुड्स मतलब कोई ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, जैसे कि घड़ी, जैसे कि टी शर्ट, जैसे कि चश्मा, जैसे कि मोबाइल फोन, जैसे कि आपकी वाटर बॉटल। गुड्स खरीदे बेचे जाते हैं, बचपन से हम खरीदते बेचते आ रहे हैं। और सर्विस क्या है, सर्विस मतलब कोई बेनिफिट्स, कोई एमिनिटी, कोई फैसिलिटी। जैसे मैं ट्रेन में गया, एक सर्विस है। मैंने खाना खाया होटल में जाके तो मेरे को वहां पे सर्विस मिली, वेटर ने अच्छी खासी सर्विस दी मेरे को, मैं होटल में रुकता हूं, वो भी एक सर्विस है। सो दोस्तों सर्विसेज एक ऐसी चीज है जो इनटेंजिबल है, महसूस कर सकते हैं हम लोग बट ये आप देख ही नहीं जाती। दोस्तों बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस यही है कॉमर्स एक्चुअल में। अगर हम और अगर विस्तार से बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पप्पू है, पप्पू जब पप्पू पैदा हुआ तो ये हालत में था। पप्पू को पहनने के लिए क्या चाहिए भाई साहब, कपड़े चाहिए। पप्पू को पहनने के लिए क्या चाहिए, कपड़े चाहिए। तो अब पप्पू के माँ बाप ने पप्पू के लिए कपड़े खरीदा, मतलब उन्होंने बाइंग किया गुड्स का, तो ये भी एक कॉमर्स है। पप्पू थोड़ा बड़ा हुआ, पप्पू ने जिद किया मेरे को खिलौने चाहिए पापा, अब पप्पू को खिलौने चाहिए। सो पप्पू को खिलौने लेके देंगे, खिलौने खरीदेंगे, ये कॉमर्स एक्टिविटी है राइट। पप्पू और थोड़ा बड़ा हुआ, पप्पू और थोड़ा बड़ा हुआ, पप्पू और थोड़ा बड़ा होने के बाद बोला पापा मेरे को साइकिल चाहिए साइकिल, पापा पप्पू को साइकिल लेके दिए, कॉमर्स एक्टिविटी, खरीदे ऑब्वियसली। पप्पू और थोड़ा बड़ा हुआ, इतना बड़ा हो गया कि पप्पू बोल रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट देना चाहता है। मोबाइल गिफ्ट देना कॉमर्स नहीं है बट मोबाइल खरीदना तो पड़ेगा ना, ये भी क्या है, कॉमर्स एक्टिविटी है। दोस्तों पप्पू की शादी हो गई, दोस्तों शादी में पप्पू ने बड़ा सारा खर्चा किया, बहुत सारी गुड्स लिया, बहुत सारी सर्विसेज लिया पप्पू ने। अब जब गुड्स लिया ये भी कॉमर्स, सर्विसेज लिया बहुत भी कॉमर्स। सर सर्विसेज कौन सी लिया शादी में, अरे डेकोरेशन कराया सर्विस है, अरे मेहंदी वाली आंटी आई सर्विस है, अरे बहुत सारे काम किया पप्पू ने, ये सारी चीजें भी तो कॉमर्स एक्टिविटी में आएगी ना। पप्पू के बच्चे हुए, दिस इज नॉट अ कॉमर्स एक्टिविटी, लेकिन पप्पू के बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें खरीदना पड़ेगा, ये तो कॉमर्स एक्टिविटी में आएगा ना, क्योंकि बाइंग है गुड्स की या फिर सर्विसेज की। दोस्तों पप्पू एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, पप्पू को चूड़ियां बेचने का बिजनेस स्टार्ट करना है, पप्पू चूड़ियां बेचना चाहता है, तो चूड़ियां बेचने का बाइंग एंड सेलिंग करेगा, चूड़ियां खरीदेगा, चूड़ियां बेचेगा, ये क्या है, कॉमर्स एक्टिविटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है कि नहीं। अच्छा पप्पू सर्विसेज भी दे सकता है, जैसे कि चूड़ियां पहना के दे दे, सर्विस होगी, एमिनिटी बेनिफिट है कि नहीं। अच्छा पप्पू भाई साहब अपना क्या हो गया, एक अफसोस की बात है, पप्पू यार अचानक से हमारे बीच नहीं रहा, पप्पू की डेथ हो गई यार, पप्पू की डेथ हो गई है, बहुत अफसोस की बात है। पप्पू के लिए अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां खरीदना है, लकड़ियां, अब वो जो लकड़ियां खरीदेंगे ना पप्पू के अंतिम संस्कार के लिए, ये भी क्या है, बाइंग ऑफ सम गुड्स, ये भी क्या है, कॉमर्स एक्टिविटी है मेरे दोस्त। मतलब बचपन से लेके डेथ तक हर तरफ कॉमर्स है भाई, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मैं बाल कटाता हूं एक सर्विस है, ये कॉमर्स है। मैं रेस्टोरेंट जाता हूं खाना खाता हूं, मैं ये कॉमर्स है। मैं भाई साहब आपको पढ़ा रहा हूं, कॉमर्स है। सीधी सी बात है, आप अगर क्लास लगाते हो, पैसे भरते हो, सर्विसेज लेते हो, कॉमर्स है। कॉमर्स बचपन से लेके डेथ तक हर जगह, ये टी शर्ट एक कॉमर्स के थ्रू आई है, ये घड़ी कॉमर्स है, ये चश्मे कॉमर्स के थ्रू आए हुए हैं, कॉमर्स के थ्रू ही सारी चीज है। दोस्तों ये आप जो मोबाइल फोन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक कॉमर्स एक्टिविटी का ही पार्ट है। दोस्त आप पानी पीते हो, बिल भरते हो, कॉमर्स एक्टिविटी है। आप बिजली, ये एक डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं दोस्तों, ये सारी चीजें कॉमर्स एक्टिविटी का पार्ट है। तो यही है कॉमर्स, और क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसके आगे की बातें जो है, अभी बहुत सारी बातें करनी है कि कॉमर्स में भाई कौन से सब्जेक्ट्स है, हमने कॉमर्स लिया है, हमारे लिए कॉमर्स का क्या बेनिफिट है। अच्छा ये सारी बातों के लिए हमारे सबसे चहेते, हमारे फेवरेट अब्बर सर इसके बारे में बताएंगे। तो कहाँ हो अब्बर सर, किधर हो आप? अरे मोदी जी यही हूँ मैं कहाँ जाऊंगा, यही तो हूँ मैं। तो सर जैसे आपने बताया कि वॉच से लेके कार तक, आपके बर्थ से लेके आपकी डेथ तक हर जगह कॉमर्स है, वैसे ही कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट भी उतने ही इंटरेस्टेड हैं। सर कौन से सब्जेक्ट है? तो कॉमर्स में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे ओसीएम के बारे में, ओसीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के बारे में। ना 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 बेटा डरना नहीं है, जिनको मैथ्स नहीं लेना है उनको ऑप्शन होता है एसपी सेक्रेटरियल
प्रैक्टिस और इंग्लिश वगैरह लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। इतने प्यारे सब्जेक्ट है कि आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं कि अकाउंट्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, ओसीएम क्या होता है। करेक्ट है दोस्तों? तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टाटा।